नमस्कार, मैं कविता माथुर, लेक्चरर टेक्सटाइल डिज़ाइन, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, उदयपुर। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आ रही हूँ वो इंट्रोडक्शन टू टेक्सटाइल सब्जेक्ट से है, जिसका कोड TD 103 है। इसमें फाइबर के अंतर्गत वूल फाइबर में आज हम वुलन एंड वर्स्टेड के डिफरेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानें कि वूल फाइबर क्या होता है। वूल एक नेचुरल फाइबर है जो हमें विभिन्न प्रकार के पशुओं के बालों से मिलता है। जब वूल यान की स्पिनिंग की जाती है तो अक्सर दो शब्द दिमाग में आते हैं, वुलन एंड वर्स्टेड, अर्थात इसको दो भागों में बांटा जाता है, वुलन एंड वर्स्टेड। और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो डिफरेंस हम इसमें देखेंगे वो रेशे की लंबाई के आधार पे है। जब वुलन यान बनता है तो उसमें छोटे रेशों की कताई करके और उसको बनाया जाता है, और ये रेशे अधिकांशतः 1 से 3 इंच तक लंबे होते हैं, जबकि वर्स्टेड यान के लिए अपेक्षाकृत लंबे रेशों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे रेशे जो 3 इंच से ज़्यादा लंबे हों, अर्थात छोटे रेशों से वुलन फाइबर और लंबे रेशों से वर्स्टेड यान बनाया जाता है। फिर हम इसको देखते हैं वुलन फाइबर्स के प्रकार के आधार पर। इसमें हम देखते हैं कि जो वुलन फाइबर है वो उससे जब धागा बनाया जाता है तो उसमें मीडियम से कर्सर डायमीटर वाला वूल फाइबर लिया जाता है, जबकि वर्स्टेड के अंदर फाइन डायमीटर वाला रेशा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ वूल मटेरियल। जब वुलन यान बनाया जाता है तो रेशों की वॉशिंग, स्कोरिंग और कार्टिंग की जाती है, और जब वूल से वर्स्टेड यान बनाया जाता है तो इनके अतिरिक्त, अर्थात वॉशिंग, स्कोरिंग और कार्डिंग के अतिरिक्त, कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग का प्रक्रिया भी की जाती है। अगर हम टेंसिल स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो जो वुलन यान है उसमें टेंसिल स्ट्रेंथ कम होती है, जबकि वर्स्टेड यान में टेंसिल स्ट्रेंथ ऊन की अपेक्षा, यानी कि वुलन यान की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। वुलन यान बनाते समय जो ट्विस्ट लिए जाते हैं उनकी संख्या लो से मीडियम होती है, अर्थात वर्स्टेड की अपेक्षाकृत वुलन यान में कम ट्विस्ट की आवश्यकता होती है या कम ट्विस्ट दिए जाते हैं, जबकि वर्स्टेड यान में ट्विस्ट अधिक मात्रा में दिए जाते हैं। अगर हम फील को बारे में बात करें तो जो वुलन यान होता है वो फील करने पे बल्कि अनइवन और सॉफ्ट सा प्रतीत होता है, जबकि वर्स्टेड यान फाइन यान होता है, स्मूथ होता है और उसमें एक क्रिस्पी अपीयरेंस हमें दिखाई देती है या क्रिस्पी अपीयरेंस का हमें आभास होता है। वुलन यान जो होते हैं ये वजन में वर्स्टेड यान की अपेक्षा कर कुछ भारी होते हैं, जबकि वर्स्टेड यान का वजन अपेक्षाकृत कम होता है। जब हम वुलन यान से बने हुए कपड़ों के बारे में या धागों के बारे में बात करते हैं तो वो कम मजबूत होते हैं, कम मजबूत अर्थात वर्स्टेड के कंपैरिजन में उनमें ड्यूरेबिलिटी या मजबूती कम पाई जाती है, जबकि वर्स्टेड यान और उनसे बने कपड़ों में मजबूती वूल की अपेक्षा कर अधिक पाई जाती है। उनमें क्रीज बेटर रहती है, जबकि वुलन फैब्रिक में क्रीज नहीं बनती है। इसके अतिरिक्त हम देखें तो हम ये पाएंगे कि वर्स्टेड यान या वर्स्टेड फैब्रिक वुलन फैब्रिक्स की अपेक्षा कर महंगे होते हैं, और वर्स्टेड में आयरन करने की भी आवश्यकता पड़ती है, जबकि वूल में आयरन करने की आवश्यकता
नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वुलन और वस्टेड में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं। थैंक यू।